सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और खबर है कि रिया ने पूछताछ के दौरान बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों का नाम लिया है। रिपोर्टेडली रिया ने अपने 20 पेज के स्टेटमेंट में 25 लोगों का नाम लिया है जो ड्रग्स यूज करते थे या उन पार्टीज में शामिल होते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 25 नामों में से 5 लोगों का नाम पता चल गया है। इनमें सारा अली खान, राकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा के नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो रिया ने सुशांत की एक्स मैनेजर रोहिणी अय्यर और फिल्म मेकर मुकेश छाबड़ा का नाम भी लिया है। बता दें कि सुशांत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा को मुकेश ने ही डायरेक्ट किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब रिया के स्टेटमेंट्स के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को इंटेरोगेशन के लिए बुला सकती है। सुनने में आया है कि रिया ने एनसीबी को बताया है कि सुशांत के लोनावला वाले फार्म हाउस में ड्रग पार्टीज होती थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इन पार्टीज का हिस्सा नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे। अब इस केस को सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंटरटेनमेंट जगत की सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए मूवी टॉकी से।